भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का काफिला लगभग 2 बजे नौरोजाबाद मंडल के जेएम कॉम्प्लेक्स पहुंचा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नौरोजाबाद मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पयासी के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत विशाल बाइक रैली के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला नौरोजाबाद नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचा। तदुपरांत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम युवा चौपाल और नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के द्वारा माँ सरस्वती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वैभव पवार का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी युवा हमारे भारत के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों जगह विराजमान है, युवाओं के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारे देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष सिंह, युवा मोर्चा प्रभारी अशोक तिवारी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह, उपाध्यक्ष अनिल साहू सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। युवा चौपाल नव मतदाता सम्मेलन आज यहाँ जोहिला भवन नौरोजाबाद में आयोजित हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के हमारे अंत्योदय के सिद्धांत और हमारे विकास से नए युवाओं को जोड़ने के लक्ष्य को लेकर हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में आने वाली हमारी सभी 23,000 पंचायतें और सभी नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में हम नौ मतदाता युवा चौपाल के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और ये नौ मतदाता युवा चौपाल में हम मुख्य रूप से जो नए मतदाता जिनकी संख्या अब जो इस बार मतदान करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय बार मतदान करने वाले नौ मतदाताओं को बुलाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में और मध्य प्रदेश में आए परिवर्तन 2003 के बाद, पूरे देश में आए परिवर्तन 2014 के बारे में, इन सब चीज़ों से रूबरू कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा उठाएगा। अभी तक हम मध्य प्रदेश में 10,500 से अधिक स्थानों में युवा चौपालों का आयोजन कर चुके हैं। इस निमित्त मेरा लगातार प्रवास अलग अलग जिलों में हो रहा है, उसी तारतम्य में मेरा आज उमरिया जिले में नौरोजाबाद आना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।